वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब थोड़ी सी हम ब्यूटी बात करेंगे और आजकल ट्रेंड्स बदल रहे हैं, नई नई चीजें भी आ रही हैं। ऐसे में आई लैशेज एक्सटेंशन जो है बहुत ज्यादा जो कह लें ट्रेंड भी है, लोग उसको करवा भी रहे हैं। क्या आपको बहुत ज्यादा मुझे कह लें ना झंझट है, उससे निजात मिल जाती है। आज हमारे पास जरपाश होंगी जो कि जरपाश ब्यूटी क्लिनिक की ऑनर है। वेलकम टू द शो जरपाश, कैसी हैं आप? I'm good, thank you. अच्छा जरपाश, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि समटाइम्स हम एक्सटेंशन आईलैशेस एक्सटेंशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें जो कह रहे हैं नई नई मार्केट में आ रही हैं। आप अपने ब्यूटी क्लिनिक के हवाले से बताएं और कब से आप ये काम कर रही हैं? मुझे करते हुए 2 years हो गए हैं। मैं पहले ओमान में करती थी, उसके बाद अभी लाहौर जो मैं 1 year हुआ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे मैंने अपना काम शुरू किया। अच्छा, और यहाँ पर क्लिनिक में जो है मेरी सर्विसेज है लाइक लैश एक्सटेंशंस एंड सेमी परमानेंट मेकअप, ठीक है, माइक्रो ब्लेडिंग, परमानेंट लिप कलर, स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स और ये सब कुछ। अच्छा, आज तो हम आईलैशेस को स्पेसिफिकली डिस्कस करें, तो क्या प्रोसीजर है? आपने वहाँ से ट्रेनिंग ली, कितना अर्सा रहती है, क्या इसके प्रोसीजर होते हैं, केयर क्या होती है उस पर? लैश एक्सटेंशन जो है वो 2 months के लिए रहती हैं। 2 months उस तरह रहती है अगर हम अच्छी थोड़ी की उसकी केयर करें, लाइक प्रिकॉशंस लें। और उसके बाद उसकी केयर ये है कि आपने जो गर्म पानी है उससे मुंह नहीं धोना है, लैशेस आप गर्म पानी नहीं यूज कर सकते, वैसे आप फेस वॉश कर सकते हैं, पानी यूज कर सकते हैं, और आप आईज रब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बस ये इसके प्रिकॉशंस हैं और ये 2 months तक स्टे करती है। उसके बाद इसकी रीफिलिंग होती है, थोड़ी बहुत सेट करवानी पड़ती है, उसके बाद ये दोबारा कंटिन्यू आप कर सकते हैं। जी, तो पाकिस्तान में जरपाश इसका कितना ट्रेंड है, क्योंकि आपने बायो प्रैक्टिस की है, तो यहाँ पर कितना ट्रेंड आप देखें? पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक 1 year, आई गेस 1 year हो गया इस को वायरल हुए इस ट्रेंड को, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे 2 से 3 लोग करते थे आई गेस, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है। अभी भी काफी लोग इस तरह के जिनको कुछ भी नहीं पता है अभी इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो वो मतलब उनको इस चीज की आदत पड़ जाती है, एक दफा अगर वो लगा लें फिर वो रह नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आईलैशेस के बाद आपकी आंखों को एनहांस करने की एटलीस्ट एग्जैक्टली, बस हल्का सा लिप ग्लॉस लगाएं आप और हल्का सा फाउंडेशन। मेकअप ये क्या है? ये भी मैं सेमी परमानेंट मेकअप में परमानेंट लिप कलर आ जाता है जो 3 years तक स्टे करता है, और माइक्रोब्लेडिंग जिनकी ब्रोज जो होती है प्रॉपर शेप में नहीं होती, वो आई शेडो या ब्रोज को बनाने के लिए वो करते हैं, तो उसमें भी माइक्रोब्लेडिंग और माइक्रोपिगमेंटेशन आ जाती है जिसके जो 2 to 3 years तक रहती है। अच्छा, और आप फेस वॉश कर सकते हैं और सब कुछ जी, उसके नॉर्मल चलता जी, है लेकिन उसमें ज्यादा लवली। अच्छा जरपाश, हमारे पास डेमो के लिए भी हम चलेंगे अभी वहाँ पर, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो आपकी जिन पे आप आई लैशेज अप्लाई करने वाली, क्योंकि बस टाइम कम होगा, कितने टाइम का ये प्रोसीजर है? हम चलते हैं, टाइम तो इसमें 40 to 50 minutes लगते हैं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा डेमो अगर हम इसका देख लें, थोड़ा सा करके तो आप मुझे बताएंगी कि ये कैसे होने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा जरपाश, ये जो आईलैशेस एक्सटेंशंस होती हैं बेसिकली, एक तो आई आपकी, कोई साइड इफेक्ट्स का नहीं है इसके? नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, इस पे प्रॉपर अगर ठीक तरीके से लगाई जाए तो, लाइक मैंने अभी तक जब तक काम किया अल्लाह के शुक्र कभी तक कुछ कोई ऐसा मसला नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। लवली लवली लवली। और इस पे जनाब अभी हम इनको अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा डेमो हम देखेंगे कि किस तरह से। अच्छा ये रखिए, ठीक है, जल्दी से ले जाओ। ठीक हो गया, नंबर मैं नील से आप खोल दोगे जल्दी से, एक आंख पे ना मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ थोड़ा। अच्छा, किस तरह से इसमें कोई स्पेसिफिक चीजें हैं, हम थोड़ी सी वो भी पहले मेंशन और इसको चेक करेंगे जनाब। ये डिपेंड करता है कि आप कौन किस तरह के वॉल्यूम की राइट करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, इसमें काफी ज्यादा लुक्स होती हैं, कुछ एक नेचुरल लुक होती है और एक अगर आपको हैवी करवानी है वो लुक है, ठीक है, और ड्रामेटिक लुक होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डिफरेंट लुक्स हैं इसमें, लड़कियां ज्यादातर मिंक की तरफ जाती हैं, जो थोड़ी कर्व हो, जो प्रोमिनेंट हो थोड़ी, ठीक है। ठीक हो गया, मैं थोड़ा इस तरफ हो जाती हूँ ताकि कैमरामैन इसको दिखा सके। ठीक हो गया, परफेक्ट। और पहले आप इसके एहतियात के लिए इसको अप्लाई करेंगे नीचे ताकि आपको भी प्रोमिनेंट हो और लोअर लैशेज के साथ ना लगे। ठीक हो गया, मैं का स्कार्फ थोड़ा कैमरा में दिखा सके, ऊपर खोलो अंकल, परफेक्ट।
बंद कर दो साथ साथ हमें जरपाज थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाए ताकि हमारे देखने वालों को अच्छा ये कितनी सेफ है और कितना इसमें कुछ खवातीन डरती भी है क्योंकि आंखों का मामला बहुत सेंसिटिव होता है डेफिनेटली बिल्कुल इसीलिए ये काम मैंने अपने स्टाफ पे नहीं छोड़ा मैं खुद करती हूँ अच्छा खुद करती है जबरदस्त तो यहाँ पर आपके ख्याल में जो प्रॉपर लोग हैं जो इस तरह के काम मतलब आईलैशेस एक्सटेंशन जो अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे ये अब तो काफी सैलॉन्स में हो रहा है अच्छा सरपाश ये आप मुझे पकड़ा देंगी क्योंकि आप कैमरा में ये नजर नहीं आएगी क्या पकड़ा ये आप मुझे पकड़ा दें और आप नहीं ये मुझे बार बार लेनी है ठीक है चले आप थोड़ा सा फिर इसको इस तरफ रख लीजिए मुझे कैमरा दिखाना है सही तो ये कौन सी वाली आप इनकी अप्लाई कर रही हैं ये मैं इनको कर रही हूँ मिंक ओके परफेक्ट परफेक्ट ओ सॉरी और जिन लोगों की लाइट होती है या हर तरह के लोग इसको करा सकते हैं जिनकी लाइट होती है उनके लिए तो ज्यादा अच्छी है ना सही और ये कितना बारीक बीनी का काम है भाई बहुत ज्यादा ना इसको तो काफी टाइम लगता है और ये थोड़ा सा हमें डेमो क्योंकि इसमें वाकई टाइम कंज्यूमिंग काम है तो अभी जयपाज तो हमें डेमो करके बता रही हैं कि किस तरह से अप्लाई करती हैं और ये ड्राई इसी वक्त हो जाएंगी विद इन सेकेंड ओके परफेक्ट परफेक्ट इनको ओरिजिनल आई लैशेज के ऊपर अप्लाई किया एग्जैक्टली इनको ओरिजिनल लैश के साथ एक एक लैश के साथ अप्लाई करते हैं ठीक हो गया सही वाओ मतलब बहुत सारे लोग अच्छा जनाब अगर आप कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं जरपाश से आई लैशेज के हवाले से तो आप कॉल कर सकते हैं जरपाश आपका क्लिनिक कहाँ पर है ये भी हमें बताएं मेरा क्लिनिक एम एम आलम रोड पे ऑपोजिट टू जनीर जमशेद ठीक है और उसके हफीज टावर है अल हफीज टावर बिल्कुल उसके फर्स्ट फ्लोर पे ओके मैं खुद बहुत गौर से देख रही हूँ कि ये हो कि मुझे तो नजर भी नहीं आ रही वो जो जरवाज कैसे लगा रही है अच्छा आईब्रोज के हवाले से भी आप पहले बताई थी कि आईब्रोज से जो एक टैटू होता है ये क्या होता है जो आप लोग एक तो टैटू होता है ना वो परमानेंट होता है ठीक है वो तो अलाउड नहीं है गेस वो हराम है हाँ। तो इसलिए मैं पिगमेंट्स यूज करती हूँ वो टू टू थ्री इयर्स तक रहता है अच्छा जी जनाब अब मैं चुप होगी मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं बड़े गौर से देख रही थी और मैंने बोलना भी है अच्छा जवाब के साथ साथ कुछ केयर फर्दर कि आपने गर्म पानी से अपनी लैशेस को वॉश नहीं करना क्योंकि जिससे अप्लाई की जाती है मेरे ख्याल से उस पर इफेक्ट आता है नहीं ये थोड़ी सी लूज हो जाती है ऐसा नहीं कि सारी उतर जाती हैं लेकिन हाँ। थोड़ी सी लूज हो जाती है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है करवट मैंने ली तो उसका प्रॉब्लम बेचारी को हुआ ऐसा कुछ होता है कि अगर आप ज्यादा आंखों को रब करें और कुछ नहीं यस आंखों को रब करना उससे अवॉइड करना होता है आपको लेकिन ऐसा नहीं कि सारी उतर जाती है क्योंकि मैं वन बाय वन लगाती हूँ और ज्यादातर लोग जो है कम क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है वन बाय वन में तो लोग ज्यादातर जो है क्लस्टर लैशेज लगाते हैं क्लस्टर्स जो एक एक नहीं होती जो इकट्ठे होते हैं जो एक पीछे से एक बाल होता है आगे से तीन बाल होते हैं वो वाले क्लस्टर्स जो होते हैं वो लगाते हैं तो आप एक एक मैं एक एक लगाती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है उतरती नहीं इतनी जल्दी और जनाब ये अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से लग रही है तो आप गौर से देखें क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत मुश्किल से नजर आ रही है तो आपको कैमरा में कितनी मुश्किल से नजर आ रही है अच्छा जी हमारे साथ कॉलर है आयशा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछना है जरपार से कि इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं और एलर्जी वगैरह का कोई इशू तो नहीं होगा अगर मैं इसको करवाना चाहूँ तो जी नहीं एलर्जी का कोई इशू नहीं होता लेकिन जिनकी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उनसे मैं टेस्ट ले लेती हूँ एक दो लाश लगा के अगर होता है तो उसी टाइम रिमूव हो जाती है फिर उनको इशू नहीं होता है अच्छा ठीक हो गया थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का एलर्जीज की तरह से डेफिनेटली आपको अपनी आंखों का अंदाजा होता है कि आपको किस चीज से आपको सेंसिटिव हैं आपकी आंखें कितनी तो आप उसी इतबार से चीजें कराएं और अगर टेस्टिंग हो जाए तो ये बेहतरीन मेरे पास आई हैं वैसे काफी सेंसिटिव जिनकी आईज बहुत सेंसिटिव होती है क्योंकि मैं रूट्स में नहीं लगाती हूँ जब तक वो स्किन में नहीं लगेंगी तब तक वो कोई इन्फेक्शन या कुछ भी नहीं होगा तो इसलिए मैं रूट्स में नहीं लगाती हूँ लैशेज में एक तो हाफ इंच छोड़ के लगाती हूँ तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना कोई इन्फेक्शन है ना कुछ और ठीक हो गया अल्लाह रेब है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी लारेब क्या कहना चाहेंगी
जी मैंने आईब्रोज का पूछना था कि मेरी आईब्रोज जो है वो बहुत हल्की है, तो क्या उसके लिए भी कोई है सर, कोई ट्रीटमेंट वगैरह? आईब्रोज बहुत लाइट है। हाँ, आईब्रोज के लिए माइक्रो ब्लेडिंग है, आप माइक्रो ब्लेडिंग करवा सकती हैं, काफी नेचुरल लुक देती है। उसके लिए फिर आपको कोई आई पेन ब्रो पेंसिल या कुछ इस तरह से यूज नहीं करना पड़ेगा, और वो 3 इयर्स तक लास्ट करेगी, और वो पिगमेंट्स है तो वो हराम भी नहीं है। ओके, लवली लवली लवली। तो ये वेरी करते हैं चार्जेस, जरपाश ये भी मैं जानना चाहूंगी, आईब्रोज और ये जो लैशेस हैं इनके, इनके चार्जेस हाँ वेरी करते हैं इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली, नेचुरल लुक के चार्जेस बताऊं? बिल्कुल बताना चाहती है, नहीं इट्स योर चॉइस, लेकिन समटाइम्स खवातीन को होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव काम तो नहीं है, लेकिन नहीं मेरा जो बाकी जगह से तो मेरा बहुत रीजनेबल है, मैं तो सिर्फ तो मतलब आप जरपाश को विजिट कर सकते हैं और वो आपको बता सकती है कि किस तरह से आपको हो सकता है। अच्छा, ये लैशेस का मामला मुझे लगता है वाकई आपकी आंखों पे, हम चूंकि जब हम मेकअप भी करते हैं तो मस्कारा ना अप्लाई किया हो तो आपकी आंखों की ग्रेस नहीं आती है, और अगर आपके आई लैशेज ही इस तरह से हों तो मुझे वैसे अभी मैं देख रही हूँ तो ये इतना डेंजरस काम नहीं है, जब मैं सोशल मीडिया पर चेक करी थी लग रही थे तो मुझे खौफ आ रहा था कि आंखों के अंदर तो नहीं लग रही है सारा। ठीक हो गया, इस पे तो अभी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी हम एक बार दिखा दें अगर इसको जितनी अभी अप्लाई हो गई है, इतनी वैसे लगी तो नहीं है लेकिन डेमो के तौर पे हमें कुछ नजर आ जाए तो। एक मिनट में थोड़ी सी ठीक हो गया, थोड़ी सी और अप्लाई करिए। ये डिफरेंट है जरपाश, ये दोनों इनर कॉर्नर्स पे जो है वो शॉर्ट लेंथ लगती है और जो आउटर कॉर्नर है उस पे थोड़ी लॉन्ग लेंथ लगती है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करती है ना इनर कॉर्नर का नेचुरल इफेक्ट देने के लिए। ठीक, और वो आई लैशेज की शेप भी चूंकि अकॉर्डिंगली होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी होती है सारा कुछ आपको अप्लाई करना होता है। और ये फाइबर्स होते हैं जरपाश जो आप अप्लाई कर रहे हो, और दीज आर द ओरिजिनल वंस? नहीं, ये ओरिजिनली सिंथेटिक है। सिंथेटिक है, ओके परफेक्ट। अच्छा जनाब, देखें क्या क्या चीजें हैं, और खवातीन हम पहले जिनकी लैशेज होती थी घरेलू टोटके से, मैंने तो बहुत अरसा कैस्टर ऑयल इस्तेमाल किया है, मेरी आई लैशेज बहुत हल्की थी, वो कैस्टर ऑयल से मुझे लगता था कुछ अब मैं ये भी करा सकती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे नहीं कराने दी। अच्छा, खवातीन आती हैं तो उनको कुछ खौफ वगैरह होते हैं कि अच्छा हमारी आंखों का मामला है या कुछ? नहीं, इससे इस चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि मेरे लिंक्स टू लिंक्स ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं और उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज, वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारे लोग जो हैं। और सोशल मीडिया पर जरपाश आप कितनी एक्टिव हैं? सोशल मीडिया पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और सोशल मीडिया से ही मेरा ज़्यादा काम शुरू है, क्योंकि मैं तो अभी लाहौर, मुझे लाहौर में कोई जानता नहीं था, तो मैं तो उससे शिफ्ट हुई हूँ, तो सोशल मीडिया से सारा मेरा काम चला, पर क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स, लिंक्स टू लिंक्स। अच्छा, अभी भी मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू से आते हैं। और क्या एज ग्रुप है जो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इनको? हर टाइप के लोग आते हैं, सॉरी हर एज के, मतलब 18 to 40 to 45। अच्छा जनाब, जब पास जब तक अप्लाई करी हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको इसका जो डेमो है वो जो थोड़ा बहुत लैशेज अप्लाई, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है तो उस पर कैसा होता है। अच्छा जनाब, हम जरा आपसे इजाज़त ले लेते हैं और जरपाश का थैंक यू कर देते हैं। जरपाश, थैंक यू वेरी मच। और आप जरपाश को अगर विजिट करना चाहते हैं तो जनाब एम मालम पे इनका क्लिनिक है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और इनके क्लिनिक पर जाकर सर्विसेज आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अच्छा जनाब, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल फीडबैक के लिए, हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और इनके साथ के शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। और मैं चाहूँगी कि एक बार हम इस कैमरे में दिखा दें पाश कि आपने कितनी अप्लाई की है इनको, और ये एक्सटेंशन थे आई लैशेस, ओके परफेक्ट। और अभी इस पे और अप्लाई होंगी क्योंकि अभी बहुत कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो सिर्फ ब्रिज बना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर पाश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जनाब। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।